सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आज हम हरियाली अमावस्या के बारे में शास्त्रीय निर्णय कहते हैं। शास्त्रीय विधान के अनुसार प्राचीन काल से ही वृक्षों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए जीवन वायु देते हैं, प्राण वायु देते हैं, इससे हमारा जीवन संचालित होता है। अतः प्राचीन काल में हरियाली अमावस्या के दिन सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के विभिन्न प्रकार के वृक्षों को रोपते थे, यानी वृक्षारोपण करते थे, जिनमें विशेष फलों वाले वृक्ष जैसे आम का वृक्ष, बरगद, पीपल इत्यादि जो दैनिक आवश्यकता वाले वृक्ष थे, उन वृक्षों को रोपण किया जाता था। इसके अलावा इस दिन तुलसी रोपने का विशेष महत्व है। जिन लोगों को ऐश्वर्य, लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना हो, उन्हें आज के दिन एक तुलसी वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा पीपल का वृक्ष लगाने से संतति में वृद्धि होती है, संतान का सुख मिलता है, और चूंकि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी तीनों देवताओं का वास है, तो इस वृक्ष को लगाने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, उन्हें आज के दिन हरियाली अमावस्या के दिन पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रिय मित्रों, शास्त्रों का यह भी कथन है कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें, क्योंकि वृक्षों में जो फल पैदा होते हैं, जो बीज पैदा होते हैं, और उन बीजों के द्वारा, उन फलों के द्वारा अन्य प्राणी पोषित होते हैं, तो उसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह हमारे संतति बढ़ाने में सहायक होता है। नमस्कार मित्रों, आपके सुझाव या यह चैनल आपको कैसा लगा, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा, इस संबंध में अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।